बोलो तसल्ली कर लो। भीगे होठ तेरे ये देखो दो दांत का है। अब्बासी हाउस है, ले लिया उसके आपने कहा था कि घर का सदका दे अपना भी, तो उस सिलसिले में हमने ये खरीदा था। तो इधर ऐसे लग रही है जैसे टीढ़ी हो, एक आंख इधर जा रही है, एक आंख इधर जा रही है, एक लाहौर जा रही है, एक पिशावर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे और अपने घरों में अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियां देखने नसीब फरमाए। मिस्त्री धाती होती पगारे पगारे इतना पसीना। हाँ। ये मस्जिद वाला मिस्त्री है जी हमारा, वो सामने मस्जिद का काम जो है ना ये बंदा कर रहा है, और बाकी जो हमारे घर के मिस्त्री हैं वो इस तरफ हैं, और ये मस्जिद के मिस्त्री हैं। पसीना बहुत ज्यादा आया हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी है क्या मिस्त्री? कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिए जी, अभी देखें गर्मी दे। कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिए, इतना नुकसान है ज्यादा ना पीऊं, ये तो ज्यादा नुकसान है। तो पानी पीवो, पानी पानी जितना पीवो उतना फायदा है। पानी छड्डा है, चाह है ना, कोल्ड ड्रिंक ए वाला मैं समझ, कावी चाह बना दो पीना बेटी। हाँ। ये जी समझ ले कह रहा है चाय है, कावा चाय समझ के ये पेप्सी पी रहा है। पेप्सी कोक है? कोक पता लगता कोक है, कोक कोक। एक बेचारा एक हमारा मजदूर ये भी आ गया, भाजा भाजा भाजा, तेरे को गर्मी लगी हुई है, उनको दे बोतल। हाँ बोतल पियो, बोतल पियो। कितने दिन से बोल रहा हूँ, कितने दिन से कि ये कैब तो चेंज करवा के दे दो, कैब तो मेरा कसूर नहीं है। सब चीजें शहर जाते हैं, सब चीजें लेके आ जाते हैं, कैब मेरी भूल जाती है। मेरा तो अभी बगैर कैब के आ जाऊँ सामने? आ जाओ है, आ जाओ, मेरा कसूर नहीं। बगैर कैब के क्यों नवाज शरीफ होते नहीं इंसान, बगैर कैब के सामने आ जाऊँ तो क्या हुआ? मुझे नहीं, देखो इधर ऐसे लग रही है जैसे टीढ़ी हो, एक आंख इधर जा रही है, एक आंख इधर जा रही है, एक लाहौर जा रही है, एक पिशावर जा रही है। मेरा कसूर नहीं है। तो इधर देखो ना कैमरे की तरफ, मुझे देखती है तो एक चीजें लेना तुम्हारा फर्ज है, मेरा नहीं। मेरा जो फर्ज होता मैं तुम्हें लेकर दे देती हूँ। इनके पास तो मेरे लिए भी टाइम नहीं होता, इतना मसरूफ फोन कॉल पे। इधर हमारी भी सुन लो, इतने ज्यादा मसरूफ हो तुम फोन कॉल में, हमें भी थोड़ा टाइम दे दिया करो। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ इसको अभी यहाँ पर छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर और भी बकरे हैं, बकरों के साथ मिलजुल के वहाँ पर घर पे अकेला होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर छोड़ा हुआ है। माशाल्लाह दो दांत का है ये भी, जवाब इसको लेके जा रहा है। हादिया घेन गीत हकले से, हादिया हाँ 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 हकले से गीते हाई मैं यूं करे नहीं करे सीधा घर घर घेन तो जुलोस, और इसको भी घर लेके जा रहे हैं। मैडम साहबा का ऑर्डर है कि घर पे लेके आओ, तो फिर घर में ही वीडियो बनाएंगे, बाकी आप बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम कंटिन्यू है, जो मिस्त्री आपको दिखाया था पसीनों पसीने। तो मिस्त्री साहब सुना हूँ तक गर्मी का नहीं है, पसीना देखें बहुत शदीद ज़्यादा पसीना है, बहुत ज़्यादा पसीना, नहाया हुआ ऐसे लगता है जैसे बंदा। असल में इस तरफ आबादी है ना, तो इसकी भी हबस निकल रही होती है, फिर धूप भी है और मस्जिद का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको एक परिंदा दिखाता हूँ जूम करके, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं टटीरी, और ये जो है ये आसमान की तरफ जब सोती है तो टांगे ऊपर करके सोती है, और कहती है कि कभी आसमान गिरेगा तो मैं अपनी टांगों से जो है ना इसको रोक लूँगी। तो ये यहाँ पर घूम रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इनको निमको खवाने बैठो, ये निमको खुद भी खा रहे हैं और बकरे को भी खिला रहे हैं। हाँ तसल्ली कर लो, दो दांत का है, तसल्ली कर लो। चुनू चुनू मुंह खोलो ना उसका, बोले बोले दंडी। अरे नहीं पूरा खोलो ना, मुंह खोलो दिखाओ ना, दो दांत का है, मुंह खोलो बोले तसल्ली कर लो। भीगे होठ तेरे ये देखो दो दांत का है, ये वो भी नसल है ना, टैडी नसल। ये हमारे घर पे पला था, पला था नहीं, अभी तुम लोगों के घर पे छोड़ा हुआ है। मीन अच्छा जी बहन भाइयों, आप सब बहन भाइयों की पुरजोर फरमाइश पे और पुरजोर इसरार पे हमने ये अपने जो हमारा अब्बासी हाउस है
उसके आपने कहा था कि घर का सदका दे अपना भी, तो उस सिलसिले में हमने ये खरीदा था बकरा, खरीदा है बकरा, और इसकी जो है हम इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को शादी भी खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि शादी है, मतलब भतीजे की, वो नेक्स्ट फ्राइडे को। हाँ जी, और दुल्हन का सामान भी अभी तो कुछ देर बाद हम दिखाएंगे। नेक्स्ट फ्राइडे को तो इसको जो है ना हम लोग घर में ज़िबा करके, तो एक देग बनेगी या दो देग बनेगी, वो फी सबीलिल्लाह जो है ना हम अपने घर का सदका, जैसे आप सब बहन भाइयों ने हमें मशवरा दिया था कि, और आपका कहना सबका भी बहन भाइयों का ठीक है कि सदका जो है वो 70 बलाओं को टाल देता है, तो बस अल्लाह पाक अपनी राह में कबूल करे। और ये हमने एक छोटी सी समझ लें घर के लिए खैर बरकत के लिए ये लिया है, अल्लाह पाक जो है ना बस कबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपको तबीयत के हवाले से अपडेट करें कि तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ओके है और राबिया की 100 में से 100% ओके है। हाँ जी, कल तुमने कमेंट पे एक गौर किया था, अपना नहीं, वो बात तो अलग है। एक सिस्टर कह रही थी कि हाय हाय अल्लाह कितनी गंदगी, अरे भाई काहे की गंदगी है, हमारा घर अभी तक अंडर मेंटेनेंस है, सामान तो ऐसे फैला हुआ होगा जो है ना हमारा काम हो रहा है। मुझे हंसी भी आई थी, मैंने कहा अब क्या कहे बंदा। मैंने सोचा अपनी शक्ल भी दिखा दूं क्योंकि सारा दिन व्लॉग बनाता हूं ऑफ कैमरा, तो इस वक्त मैंने कहा अभी अपनी शक्ल भी दिखा दूं। और मेरी बेगम साहिबा जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह ओके, एंड मैं भी आज ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि ये बकरा हमने जो लिया हुआ है, इसकी पूरी डिटेल मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। और मैंने सोचा कि अभी आप लोगों से टाटा बाय बाय ही कर लें। और कुछ बेगम मेरी कहना चाह रही थी, क्या कहना चाह रही थी आप? भूल गई। एक तो तुम भुलक्कर बहुत हो। बस दिमाग खत्म हो गया। दिमाग खत्म हो गया, बीमारी, बूढ़ी हो गई हो। बुढ़ी हो गई हो, 100 साल की। हाँ, वो दुल्हन का कमरा कह रहे थे, सच याद आया। दुल्हन का कमरा जो बराबर वाला घर है हमारा, वहाँ पर शादी होगी अभी। दो तारीख की मेहंदी मायो है। हाँ जी, और 7 तारीख की शादी, 2 अगस्त की मेहंदी मायो, 7 अगस्त की शादी, 14 अगस्त दुल्हन दूल्हा के साथ मनाई जाएगी इंशाल्लाह जी। वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा शादी को कवरेज देने की, और आप सबको दिखाऊंगा कि हमारे गांव में जो है पहले ही लड़ाई हो रही है, हमारे गांव में जो है ना शादी किस तरीके से होती है, सब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कवरेज करने की। और दुल्हन का दहेज भी दिखाऊंगी मैं, और इंशाल्लाह दुल्हन का जो जहेज है वो भी, मेरी भतीजी है वो मेरा भतीजा है, आपस में कजन है, तो वो भी आप सबको दिखाऊंगा, दोनों कजन के ही हैं, तो वो भी आप सबको दिखाऊंगा। और जो रिवाज होता है, जो रस्में होती हैं हमारे गांव में दुल्हन दूल्हे की शादी की, वो सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो बस आप लोगों ने अभी हमारे लिए ये दुआ करनी है कि हमने आप सब बहन भाइयों का जो है हुक्म सारा आँखों पे रखा है, और जैसे आपने मशवरा दिया है हमने ये बकरा ले लिया है घर की खैर बरकत के लिए, अल्लाह पाक जो है ना कबूल और मंजूर फरमाए। और इसी दुआ के साथ चाहेंगे इजाजत के जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, और खुशियां लेते रहें और खुशियां बांटते रहें, अपनी खुशियों में हमको भी और अपने सब हमसायों को शामिल करते रहें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, बाय बाय।